शादी के समय पति पत्नी में कितना अंतर होना चाहिए, इसके बारे में काफी लोग हमसे सवाल जवाब करते रहते हैं, तो आइए उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी एक व्यक्ति मेरे पास में आ जाए, करीब करीब 45 साल की उम्र, और जितनी चाहिए उतनी इच्छा नहीं हो रही है। पत्नी की उम्र 30 साल की। अच्छा, 30 साल की उम्र में पत्नी की बहुत इच्छा है, मगर ये बोलता है कि अभी मेरी उम्र काफ़ी 45 साल की होगी तो मुझे इतनी इच्छा नहीं होती है। जब सब हिस्ट्री लिया तो मालूम पड़ा कि करीब करीब 35 साल के एज में ये जो व्यक्ति है इसकी शादी हुई थी पहली, और 1 साल के अंदर अंदर ही पत्नी से उसने सेपरेट होने का निश्चय किया और वो सेपरेट हो गए, और बाद में डिवोर्स की केस चली, और करीब करीब 1 साल पहले मतलब 9 साल के बाद में उसका डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। अब बाद में उसने एक लड़की को प्रपोज किया जिसका भी डाइवोर्स हो चुका था, तलाक हो चुका था, उसको एक बच्चा था, तो उसको प्रपोज किया और उसके साथ में शादी किया। अभी वो ये जो लड़की है उसकी भी सेकंड मैरिज है, मगर इसकी उम्र है 30 साल, ये जो व्यक्ति है उसकी उम्र है 45 साल। अब ऐसा होता है कि जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट या सेक्साइटमेंट हम बोलते हैं, वो उम्र के 16, 17, 18 साल की उम्र में जब रहता है, जितना रहता है उतना नेचुरल है कि 45 की उम्र में रहता नहीं है, नेचुरल है वो। क्या होता है कि 45 तक मतलब 35, 38 ये उम्र के बाद में आदमी जरा सेटल होने की सोचता है, स्ट्रेस काफ़ी आ जाता है, दौड़ धूप चलती रहती है, सर्विस करता होगा तो सर्विस का अलग टेंशन है, टारगेट्स होंगे तो उसका टेंशन है, सोचता है खुद का बिजनेस चलाऊं, खुद का बिजनेस चालू करूं, तो बिजनेस चालू करना, सेटल होना, उसमें उसके स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस है, तो उसमें फिर नेचुरली उसका पूरा दिमाग वो चीज़ों में लगा रहता है, व्यापार, सर्विस, बाजू के टेंशन्स, आजू बाजू के, और उसमें फिर सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, शाम को जल्दी थक जाता है। और इधर यदि हाउसवाइफ वो है, 30 साल की उम्र है, हाउसवाइफ है, और दिन भर वो टीवी के सामने बैठी है, अलग अलग स्टोरीज देख रही है टीवी के सामने, अलग अलग सीरियल्स देख रही है, और उसमें उसके दिमाग में अलग अलग कुछ चल रहा है, हस्बैंड लेट भी आता है तो उसके ऊपर वो जरा गुस्सा हो जाती है कि लेट क्यों हो गए, क्योंकि वो तो राह देखती रहती है कि कब मेरा हस्बैंड घर पे आएगा। और यह हालत में उसकी इच्छा तो कम है, और इस मतलब पति की इच्छा कम है, पत्नी की इच्छा अच्छी है कि नहीं सेक्स होना चाहिए, शादी हो के अभी मतलब कुछ दिन ही हो गए, कुछ महीने हो गए, तो उसमें उसका फिर चालू हो गया गड़बड़, झगड़े, झंझट, और मतलब अनबन ऐसी होने लगी, इसलिए वो मेरे पास में आया कि अभी क्या करना चाहिए। उसको मैंने चेक कर लिया, डॉपलर से चेक किया, बाकी उसका सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो चेक किया, बाकी ब्लड शुगर है, हाइपरटेंशन है क्या, कोई दवाई चालू है क्या, तो बाकी कुछ भी नहीं था। फिर मैंने बोला कि भाई आपको हुआ कुछ नहीं है वैसा, मगर अभी 45 साल की उम्र में वैसे ही आपकी सेक्स की इच्छा थोड़ी कम हो गई है, बाकी बहुत टेंशन आपके पीछे हैं, और इसलिए फिर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस में इच्छा कम हो जाती है, तो भी आप ऐसा करो कि अभी सेकंड हनीमून बनाने के लिए आप चले जाओ, सेकंड हनीमून घुमा फिरा के घूम फिर के आ जाओ, जरा रिलैक्स हो जाओ। नहीं, बोले मैं जा ही सकता नहीं, इतना प्रेशर है काम का। जब काम का इतना प्रेशर है, उम्र है 45 साल, तो फिर सवाल आता है कि फिर ये तो मुश्किल वाली बात हो गई, और फिर सेक्स जमने वाला है नहीं। फिर इस समय हम कुछ उनको बोलते कि ठीक है आपको क्या इच्छा है, बोले कम से कम हफ्ते में एक बार तो भी मेरा सेक्स होना चाहिए। पत्नी बोलती हफ्ते में एक बार तो करो ठीक से। तो फिर मैंने ठीक है, फिर आप ऐसा करो अभी जो दवाई मैं आपको दे रहा हूँ मेडिसिंस, वो आप मेडिसिंस ले लो, और फिर एक बार या दो बार जैसे भी आपकी चाहत है वैसा सेक्स करो। मगर ये तो टेम्पररी है, हमको ये देखना है कि एक्चुअली क्या रीज़न हो रहा है, इतने स्ट्रेस क्यों आ रहे हैं, मतलब इतना स्ट्रेस क्यों आ रहा है, तान तनाव से इतना क्यों परेशान आदमी है ये, वहाँ के हम क्या कर सकते हैं, वहाँ कैसा वो पावरफुली डील करेगा, अपना बिजनेस रिलैक्सेशन में कैसा करेगा, रिलैक्स होकर कैसा करेगा, पत्नी की तरफ या फैमिली की तरफ ख्याल कैसा देगा, मतलब वो काउंसलिंग की जरूरत ये केसेस में होती है। वो उसको मैंने प्रपोज किया, धीरे धीरे देखती है अभी क्या होता है, तो मगर ये यदि किया तो फायदा हो जाता है। अभी ये तो हो गई घटना, 45 साल की उम्र है और सेकंड शादी की। अब पहले इसमें भी हमारे पास में लोग आते हैं कि अभी आजकल हुआ क्या है कि लड़कों को लड़कियां जल्दी मिलती नहीं है, 30 साल, 32 साल, 35 साल की उम्र हो जाती है, और फिर उसमें लड़की देखना है तो अपने बराबरी की मिलती नहीं है, लड़कियां बहुत एजुकेट हो रही है, हायर एजुकेशन ले रही है,
फिर उनको वो लेवल का लड़का चाहिए, खेती वाला नहीं होना, किसान नहीं होना, वो तो भली देहात की है मगर उसको किसान का लड़का नहीं होना, ऐसे इसमें फिर ये लड़के जो है 30-32 साल 35 साल की इधर उम्र हो गई, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और कॉम्प्रोमाइज करके फिर हो सकता है कि गरीब घर की लड़की हो सकता है कम सीखी हुई हो, और कम सीखी है लड़की, आजकल लड़कियों को तो फ्री एजुकेशन है, लड़की यदि कम सीखी है मतलब उसने एजुकेशन कम लिया है, तो पहले घंटी यहाँ बजनी चाहिए कि भाई वो मंदबुद्धि की है क्या, क्योंकि मंदबुद्धि की लड़की है कि आजकल तो फ्री सब है, लड़कियों को एजुकेशन है, अब फ्री होने के बावजूद भी वो नहीं जा रही स्कूल में, या फेल है, या 7वीं पास है या 10वीं फेल है जो भी है, और पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर हमको देखना पड़ेगा ये मंदबुद्धि की है क्या, क्योंकि वो ऐसा दिखने में ठीक लगती है, मालूम तो पड़ता ही नहीं है, और फिर शादी कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि अभी भला आ गई, लड़के की उम्र 35 साल, लड़की मिल नहीं रही थी, अब जो मिली है उसको अपना करो, अब उसका भी इनको करना पड़ता है, क्योंकि उसको बुद्धि इतनी नहीं है, उसको खाना पकाना भी नहीं आता, घर का देखना भी उसको आता नहीं है, और ऐसे इसमें करेंगे क्या, फिर हमारे पास में लेके आते कि हमने देखा ही नहीं पहले। फिर दूसरा है कि मतलब ये केस में होता क्या है कि 35 साल की है ना लड़की, 20 साल की, ऐसा मतलब इतना डिफरेंस, और फिर इसमें भी आगे चल के प्रॉब्लम होने वाला है, जो अभी मैं पहले केस में आपको बताया, क्यों क्या होता है कि लड़कियों को या स्त्री को 45 साल के 48 साल या 50 साल भी हो जाए, हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन चालू है, और हमारे कल्चर में ऐसा है मेंस्ट्रुएशन चालू है तो फिर सेक्स की इच्छा रहती है, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं, मेंस्ट्रुएशन भी बंद होने के बाद में सेक्स की इच्छा हो सकती है, और वो 55-60 की उम्र में भी हो सकती है, यदि वो उसका जो पति है उसकी उम्र यदि 5 और 10 साल का उसका फर्क है उम्र में, और वो यदि जल्दी ऐसा उसको लगता है कि अभी अपनी उम्र हो गई, अपनी इच्छा कम है, तो फिर महिला जो है वो पूरी सेटिस्फाई नहीं होती, उसको इच्छा रहती है और ये उम्र के हिसाब से सेक्स नहीं कर पाता, तो इसे इसमें हरदम ऐसा रिकमेंडेशन है कि भाई 2-3 साल 4 साल का फर्क ठीक है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई बात कि भाई फर्क कितना होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों को इसके बारे में एजुकेशन हो जाएगा, और लोग शादी फिक्स करने के समय बराबर देख के करेंगे कि भाई ये जो फैक्ट मैंने बताया वो फैक्ट मद्देनजर रखते हुए वो अपना अपना शादी का मतलब जो तय है वो मामला जो है वो फिक्स करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।